हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप राडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज मैट्रिक्स रजिस्टर रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स, परचेज, इनवॉइस, परचेज मैट्रिक्स रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट क्राइटेरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। पीरियड, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की परचेज रिपोर्ट देखनी हो वो पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट डे बुक, अगर सभी डे बुक्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर डे बुक के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके डे बुक को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अकाउंट, अगर सभी अकाउंट्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर अकाउंट के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ब्रोकर, सभी ब्रोकर्स की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर ब्रोकर के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट एरिया, सभी एरिया की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आइटम ग्रुप, सभी आइटम ग्रुप्स की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर आइटम ग्रुप के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आइटम, सभी आइटम्स की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम सब ग्रुप, सभी आइटम सब ग्रुप्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर आइटम सब ग्रुप के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम सब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। आइटम सब ग्रुप वन, अगर सभी आइटम सब ग्रुप वन की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर आइटम सब ग्रुप वन के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम सब ग्रुप वन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वांटिटी यूनिट, यहाँ से आपको आइटम की जो यूनिट ऑफ मेजर चाहिए और रिपोर्ट में वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सभी डिटेल्स को सेट करने के बाद अगर हमें ये सभी क्राइटेरिया को सेव करना हो तो यहाँ सेव क्राइटेरिया पे टिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्राइटेरिया एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, जैसे अभी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट में कॉलम्स को आइडिया लेस करना हो तो यहाँ कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट को कस्टमाइज कैसे करें उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक कर देना है, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम राडिक्स में परचेज मैट्रिक्स रजिस्टर रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।